हेलो प्रिय दोस्तों, राम राम, नमस्कार दोस्तों। मैं तग्गू राजस्थानी, बाड़मेर जिले के चौटन कोर्ट में पदस्थापित हूँ। मैं कोर्ट में कर्मचारी हूँ। दोस्तों, एक मेरी समस्या है जिसके लिए आज लाइव आया हूँ, और मेरे कोर्ट के कर्मचारी भाई और बाकी जितने समस्त वकील साहब है उनसे मैं निवेदन करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। जितने भी राजस्थान के एडवोकेट्स है और बाकी न्यायालय के कर्मचारी है उन सब से मैंने निवेदन करने के लिए आज ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, मैं न्यायालय का एक कर्मचारी हूँ और न्यायालय व एडवोकेट आपस में एक लिंक होता है। तो दोस्तों, मैं चौटन कोर्ट में पोस्टिंग है। अभी दोस्तों, मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ और हमारे चौटन कोर्ट के अंदर एक भैराराम जी धारा सर के एडवोकेट है, वकील साहब है। तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। थोड़ा आपको पहले एक शॉर्ट बता देता हूँ कि जो भैराराम जी एडवोकेट धारा सर है, उन्होंने दोस्तों मेरे साथ धोखाधड़ी करके 1,70,000 रुपये का मुझे सूना लगा दिया। यानी मेरे खाते से, मेरी वाइफ के खाते से पैसे उठा लिए। अब एक छोटा कर्मचारी के खाते से 1,70,000, 1,000 रुपये भी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1,70,000 रुपये मेरे खाते से ट्रांसफ़र हो गए उसके खाते। इसलिए मैं आप सभी एडवोकेट राजस्थान और कोर्ट के कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि आप उन फेराराम बेनीवाल धारा सर जो एडवोकेट है चौटन में, उनसे समझाइश करवा कर मेरे 1,70,000 रुपये दिलाने की कोशिश करावें। वह मेरे कुल 5 चेक थे घर पे। आपको पूरी बात बताता हूँ स्टार्टिंग से। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि 5 चेक लेके गया था खाली, जिसमें से एक चेक लगा के उसने पैसे हड़प लिए। मुझे बाद में पता चला तो मैंने बाड़मेर सदर थाना में FIR लिख के दी है, लेकिन अभी वहाँ पुलिस वालों ने FIR दर्ज नहीं की है, परिवार जाँच में रखा है। तो दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ। ये कहानी होली के बाद की है। मैं भैराराम को 2014-15 से जानता हूँ। वह भी कोर्ट में वकालत करते हैं और मैं कोर्ट में कर्मचारी हूँ। तो हमारी और भैराराम की मुलाकात सिर्फ कोर्ट के कार्यों को लेके नॉर्मल इतने दिन होती थी। अब भैराराम जी ने होली के बाद, मैं यहाँ बाड़मेर रहता हूँ, तो उन्होंने धीरे धीरे मेरे से ज़्यादा दोस्ती करनी स्टार्ट की। और कोई छोटे मोटे काम के बहाने मैं वहाँ चौटन से आता था। ये बाड़मेर भी वकालत करते हैं और चौटन भी करते हैं। तो वहाँ से मेरे को कुछ कोई डाक वगैरह होती तो मेरे को कहते, भैया आप डाक लेके आ जाना, मैं आपके घर पर आऊँगा तब डाक ले लूँगा। या कोई नकल वगैरह होती तो मेरे को कहते कि भाई आप लेके आ जाना, मैं आपके घर पे आके ले लूँगा। ऐसे करके भैराराम जी ने धीरे धीरे मेरे घर आना जाना शुरू किया। तो मुझे तो, मैं एक्चुअली क्या है दोस्तों के, एक विश्वासी आदमी हूँ, जो होता है मुँह पे कह देता हूँ। लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ धोखा किया नहीं, जो होता है मुँह पे कह देता हूँ। अब भैराराम जी के मन में पेट में पाप था, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। अब वो मेरे घर आते जाते रहे, कभी आते चाय बनाता, कभी आते तो रोटी भी बनाता, कई बार 2-3 बार तो मेरे घर पे भी सोए, क्योंकि मैं अकेला ही था। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या, मैंने साल पर पहले मकान बनाया होम लोन लेके। मेरा और मेरे मिसेज का जॉइंट पट्टा है और जॉइंट ही होम लोन लिया था।
उस होम लोन में आपको पता होगा सबको कि होम लोन के अंदर ब्लैंक चेक देने पड़ते हैं। जो ब्लैंक चेक साइन करके देते हैं वो होम लोन फाइल के पर्पज़ से बैंक को देने पड़ते हैं। तो मैंने भी दिए थे और मिसेज के भी दिए थे, क्योंकि दोनों का जॉइंट होम लोन था। उस होम लोन के पर्पज़ से 2-3 चेक बचे हुए थे जो अटैची के अंदर कागजात में रखे हुए थे। अब भैरा राम जी हम मेरे घर लगभग 10-15 दिन कंटिन्यू आते थे, कभी सुबह आते, कभी दोपहर को आते, कभी शाम को आते। तो उनको पूरे घर के सामान व कौन सी चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है मालूम पड़ गया। अब उन्होंने एक दिन, मैं दूध लाने के लिए बाहर गया तो उन्हें मौका पाके कभी, अब कब निकाले मुझे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मेरे अलमारी में रखिए मिसेज के नाम से 3 चेक और मेरे नाम से 2 चेक इन्होंने वहाँ से चोरी कर लिए। मुझे काफ़ी दिन तक तो पता चला नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने ढूंढे नहीं। एक दिन मैं अटैची में कोई सामान ढूंढा था तो अंदर देखे तो मुझे वो चेक गायब मिले, दिखे नहीं। मैंने इधर उधर पूरा रूम चेक किया, मेरे को कहीं चेक मिले नहीं। फिर मुझे डाउट हुआ कि और कोई आदमी तो आया नहीं है, और वो भैरा राम 10-15 दिन आया था, अब वो आ नहीं रहा है, गायब है। इसका मतलब चेक तो उसने ही चुराया। तो मैंने भैरा राम जी को पूछा तो भैरा राम जी ने एक दो बार कहा भाई मैं तो नहीं लाया। फिर मैंने हमारे रीडर साहब अबुल खान जी और बाकी कोर्ट के कर्मचारी व चौटन के वकीलों को मैंने बात की, तो उन्होंने गेंदा से भैरा राम जी को पूछा भाई आपने तकेंद्र के चेक लिए हो तो बता दो, ये बेचारा गरीब आदमी है, परेशान है, छोटा कर्मचारी है, न्यायालय का कर्मचारी है। तो भैरा राम जी ने सबके सामने कहा कि हाँ मैं इनके घर पे गया था, मैंने मजाक की थी तकेंद्र से और 5 चेक मेरे घर पे पड़े हैं, मैं ले आऊँगा, मैंने मजाक की थी। तो अगर ठीक है इनको ला के दे देना। ये सब कर्मचारियों के सामने और वकीलों के सामने बात हुई थी। फिर भैरा राम को 2 बार 4 बार 5 बार बोला भाई वो चेक लिया तो कि मैं आज भूल गया कल ले आऊँगा, कल भूल गया परसों ले आऊँगा। 4-5 बार इसने ऐसी बात को घुमाता रहा। अब दोस्तों हम तो उसके आश्वासन पर रह गए, भाई अपना स्टाफ है, वकील और कोर्ट के कर्मचारी तो एक ही होते हैं, तो स्टाफ है तो ले आएगा, मजाक की है कोई बात नहीं ले आएगा। इस फेराराम ने क्या किया, आज से 4-5 दिन पहले वो चेक लेके मेरी मिसेज का जो नाम से था चेक, वो चेक लेके अपने बैंक खाते में, अपने मामा के खाते में 1,70,000 रुपये भर के, पहले बैंक से पता किया बैलेंस क्या है तो बैंक में बैलेंस 1,70,038 रुपये ऐसा कुछ था। तो 38 रुपये पीछे छोड़ दिए और 1,70,000 रुपये का चेक लगा के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। जब खाते से पैसे निकले तो मैसेज आया तो पता चला अब उसकी मामा के खाते में डाले। हमने इधर उधर तपास की, बैंक में गए पता किया, तो बैंक वालों ने बताया भाई उस गिरधारी नाम के युग के खाते में गए, गिरधारी के पास गए तो उन्होंने कहा हमारे को बैरा राम से चेक दिया। बैरा राम को पूछा तो बैरा राम ने, अब वो नींद खराब होगी उसकी और उसको पैसे खाने थे। अब वो बोल रहा है कि मैंने 2020 के अंदर तगेंद्र को 2 लाख रुपए दिए, किसी को बोल रहा है 50,000 रुपए दिए, किसी को बोल रहा है 20,000 रुपए दिए, किसी को बोल रहा है 5 लाख रुपए दिए, उसके बदले में मैंने चेक लिया था। अब देखो दोस्तों पूरे कर्मचारियों के सामने और वकीलों के सामने 5-7 दिन पहले तो इसने कहा था मैंने मजाक में चेक लिया और वापस दे दूंगा, अब उसकी नीयत में खोट आ गई है और मेरे खाते से 1,70,000 रुपये इसने हड़प लिए हैं, और अभी भी उसके पास 4 चेक पड़े हैं ब्लैंक जिसके वे साइन हैं। मैंने थाने में FIR दी, अभी तक मेरी FIR दर्ज हुई नहीं है। वैसे मैंने बैंक से तो चेक ब्लॉक करा रखे हैं, अब पुलिस थाना सदर में मैंने FIR भी दे दी है लेकिन वो दर्ज नहीं हो रही है। और एक दो वकील साहब के पास मैं गया तो वहाँ भैरा राम फ़ोन कर रहा है कि भाई मैं वकील हूँ और आप वकील के खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज करवा सकते हो।
अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई है। अब रियलिटी ये है कि मैंने बहराराम से एक पैसा लिया नहीं, ना मैंने चेक दिया था। बहराराम ने मेरे घर से 5 चेक चोरी किए हैं, जिसमें से एक चेक से इसने 1,70,000 रुपये विड्रॉल कर लिए हैं और बाकी 4 चेक इसके पास है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, जितने भी कोर्ट के कर्मचारी या न्यायालय से संबंधित अधिकारी है और एडवोकेट्स और राजस्थान के हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक मैं छोटा कर्मचारी हूँ, आप मेरी हेल्प करें और पूरी गहनता से जांच करवाएं पुलिस से, दूध का दूध और पानी का पानी करें और मुझे न्याय दिलाएं, क्योंकि मेरे साथ धोखाधड़ी करके इस वकील ने 1,70,000 रुपये हड़प लिए और मेरे खाली 4 चेक है उसके पास। तो मेरा निवेदन है कि एक तो मेरे 4 चेक वापस लौटाए जाएं और एक मेरे 1,70,000 रुपये वापस लौटाए जाएं, और इस एडवोकेट की पुरानी रैकेट खंगाला जाए। तो इसने ऐसे कई केस है इसके ऊपर और जेल भी गए हुए हैं, मुकदमे चल रहे हैं और बहुत ही गंदी प्रवृत्ति, मतलब इनका रैकेट बहुत बैकग्राउंड ख़राब है। अब जो भी है, मैं तो आपसे यही आशा करता हूँ कि आप समझाइश करके बहराराम से और मुझे मेरे जो ओरिजिनल पैसे हैं 1,70,000 रुपये वो वापस दिलाया जाए, या जो 4 खाली चेक है वो दिलाए जाएँ, या मुझे न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद, आपका सपोर्ट मुझे सही है। थैंक यू।